नाज़रीन, कहा यह जाता है कि खुशकिस्मती और खुशबख्ती हमेशा हर कदम पे जरूरी नहीं कि आपका साथ दे, खास तौर पे गलती आपकी अपनी हो, खास तौर पे खुद आप एक बिफरे हुए बैल के सामने आके ये कहें कि आ बैल मुझे मार। नाज़रीन, 2014 के धरने हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां साहब की हुकूमत उससे किसी न किसी तरह से बच बचाते हुए निकलकर बाहर आ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉन लीग्स वाले किस्से में भी किसी न किसी तरह से नून लीग ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते मारते किसी तरह से अपना पाँव शदीद जख्मी होने से बचा लिया। लेकिन अब जो हालिया धरने हुए हैं और जो खत्म नबूवत वाला मसला है, उसमें कुछ हद तक ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून फंस सी गई है एक ऐसे भंवर में कि जिससे उसके लिए अब निकलना कुछ हद तक मुश्किल नजर आ रहा है। अभी तक तो उसको कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, पनामा केस में भी हमने ये देखा था कि इस पूरे मसले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गई, एक ऐसा बयानिया अवाम को देने में और खास तौर पे अपने कारकुनान को देने में कामयाब हुई कि उनके खिलाफ गैर रियासती या फिर रियासती अनासर ने साजिश की है, बरूने मुल्क से उनके खिलाफ साजिश की गई है। लेकिन जो खत्म नबूवत वाला मसला है नाज़रीन, अब एक ऐसी गलती है, इसको दानिस्ता कह लें, गैर दानिस्ता कह लें, कसदन कह लें, लेकिन मैं फैसला नहीं दे रहा, लेकिन एक गलती हुई। जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इसका जिम्मेदार है, इस गलती से ना बाहर निकल पा रही है और ना ही अवाम को वो नैरेटिव बेच पा रही है, दे पा रही है, गलत या सही, कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये तमाम चीजें, ये तमाम मसाइल आखिर लेकर किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, यहां तक कि उनके अपने वर्कर्स भी उनको रब ताना दे रहे हैं। कल जिस तरह से एक बहुत बड़े इस्तेमाल में इस्तीफे दिए गए मुस्लिम लीग नून के MNAs की जानिब से, MPs की जानिब से, वो बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। क्या कहा उन्होंने इस्तीफे देते वक्त उन लोगों ने, उन नुमाइंदों ने, जरा ये सुन ले उनकी उनकी वर्डिंग सुन ले जरा। मैंने ये फैसला किया, अपने आने वाली सियासत का फैसला सियालवी साहब के हाथ पर रख दूंगा। एक इस्तीफा नहीं, मेरी जान भी कुर्बान। एक सीट के बदले में अगर ये सादत मुझे मिलती है तो इस सादत के बदले में मैं ऐसी हजार सीटें कुर्बान करने को तैयार। ये सीट जो हुजूर अमीर शरीयत की नुसरत और तायीद से मिली हुई है, वो आज हम उन्हीं के कदमों पर कुर्बान कर रहे हैं। हज़रत साहब का हुक्म है तो हम इंशाल्लाह जो फरमाएंगे हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मुतालबा, खास तौर पे ये मुतालबा किया जा रहा है पीर सियालवी साहब की तरफ से, उनके कारकुनान, उनके हमायतियों की तरफ से, वो राना सनाउल्लाह साहब के इस्तीफे का मुतालबा। राना सनाउल्लाह साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या था ऐसा कि उसके बाद उनसे ये मुतालबा बार बार किया जा रहा है और उनको तरफे तनकीद भी बनाया जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब की सुनिए। इनके मुतल्लिक जो हमारे उलमा इकराम है, वो आप कहते हैं कि नॉन मुस्लिम, वो इनको नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। और ये अगर आप डिटेल में देखें तो ये बिल्कुल वो तमाम अकायद और वो तमाम चीज़ों के ऊपर जिसमें यानी हमारी नमाज है, रोज़ा है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर अमल भी करते हैं, ये अपनी मसाजिद भी बनाते हैं, उसमें अजान भी देते हैं, सिर्फ आके इस पॉइंट के ऊपर जो है ये इख्तलाफ करते हैं। तो इसलिए इनके मुतल्लिक जो जज्बात हैं या जो फतवे हैं वो बिल्कुल ले जनाब, ये अल्फाज से राना सनाउल्लाह साहब के, अब मैं किसी भी तौर ना इसकी जस्टिफिकेशन दूंगा, ना डिफेंड करूंगा, ना ही मैं इनको यहां पर बैठ के कटहरे में खड़ा करके अपनी जजमेंट सुनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी हैसियत रखता ही नहीं हूं। लेकिन नाज़रीन, एक शख्स जिसके मुंह से बात निकली, वही शख्स गवाही दे रहा है अपने रिसालत पर ईमान के होने की, तौहीद पर ईमान के होने की, जरा वो भी सुन लें, फिर राना सनाउल्लाह साहब बाद में किस तरह से इसकी सफाई देते रहे। तो मुसलमान खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता, वो दायरा इस्लाम से खारिज, बास हमारे सियासी मुखालफी और बास दूसरे लोगों ने जो है इसको सोशल मीडिया पे जो है वो इसको इस तरह इस अंदाज से जो है वो ट्विस्ट करके इसको साबित करने की एक नाकाम जो है वो कोशिश, सियासी मुखालफी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन पर भी आऊँगा। जाहिद आमिर साहब ने इस्तीफा दिया और जो है वो मुबैना तौर पर ये गलती उनसे हुई, अगर हुई तो उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में वो भी कुछ अपनी सफाइयाँ पेश ऐसे करते रहे, उन्होंने भी अपनी वीडियोस जो हैं वो जारी की और हरम के सामने तस्वीरें खिंचवा के अहराम में वो भी जो है वायरल होती रहीं, लिहाजा उनको सबूत देना पड़ा खत्म नबूवत पर अपने यकीन का, तौहीद पर अपने यकीन का, इस्लाम पर अपने यकीन का, अपने मोमिन और मुसलमान होने का।
اچھا اب اس کو سیاسی مخالفین کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں بقول رانا ثناء اللہ صاحب؟ ایک سیاسی مخالف یہاں پر موجود ہے، میں پہلے تعارف کروا دوں کیونکہ سوال پھر میں نے سیدھا انہی سے کرنا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحب۔ نے ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور اپنے دیگر مہمانوں سے بھی آپ کا میں تعارف کروا دوں۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا یہ سنیے گا، عمران خان صاحب اب یہ کہا جا رہا ہے، نون لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ خان صاحب یار سیاست کر رہے ہیں اس ایشو پہ، کیوں اس ایشو کو وہ اچھال رہے ہیں کہ جب اس ایشو کو اتنا سینسٹیو قرار دیا گیا ہے کہ لوگ کیوں کی جان تک جا سکتی ہے اور جانے گئی بھی ہیں، تو خان صاحب اس پہ سیاست کیوں کر رہے ہیں اس موقع پر؟ ذرا سنیے خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ آج جو آپ یہ بھگت رہے ہیں قصور آپ کا، کیا وہ باہر مغربی لوبی کو خوش کرنے کے لیے جو خفیہ طور پہ کوشش کی حلف کو بدلنے میں جو کوشش پکڑی گئی، پہلے دو دفعہ ان کے لا منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور پھر ماننا پڑا جب سبھی قوم کے سامنے تبدیلی آ گئی۔ تو آج آپ دیکھیں، آج دیکھیں نون لیگ والوں کو بڑے اپنے اسلام کے اب دعوے کر رہے ہیں۔ کبھی بھی ایسا میلاد نون لیگ نے اپنی زندگی میں نہیں بلایا جو یہ پچھلا میلاد بنایا گیا۔ لے جی، ہمیں ڈاکٹر صاحبہ کے علاوہ جوائن کیا ہے ملک احمد صاحب نے، ترجمان پنجاب حکومت، ہمیں لاہور سے جوائن کریں۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کے سینئر رہنما جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب نے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ایک حالیہ ڈیفیکشن جو ہوئی ہے نون لیگ میں، اس کی ایک بڑی اہم ممبر محترمہ غلام بی بی بھروانہ صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی کچھ دیر کے ٹیلی فون پر۔ ڈاکٹر صاحبہ، بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ختم نبوت میں ترمیم، اور پھر ایسا میلاد جو اب منایا گیا پہلے کبھی نہیں منایا، کسی کے ایمان پہ اس طرح بات کرنا، آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ کس کے دل میں میلاد کی خوشی کتنی ہے؟ اس طرح کی باتیں جلسے میں کر کے لوگوں کو مذہبی طور پہ اکسانا، یہ عمران خان جیسے لیڈر کو زیب دیتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی۔ دیکھیں، بلیف سیکٹ ایک مذہبی انسان کا جو انٹرنل بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ کسی بھی مسلمان کا ایک ذاتی ایشو ہے اور اس کی ذات تک کنفائنڈ ہے، کوئی انسان اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عام شخص نہیں ہے، وہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا دارالخلافہ میں بیٹھا ایک لا منسٹر ہے، ایک ایسا لیجسلیٹر ہے جس نے انٹرپریٹ کرنا ہے پاکستان کے آئین اور قانون کو، اور جو پاکستان کے آئین کے ساتھ حلف اٹھا کے وفاداری کا قوم کے سامنے یقین دلا چکا ہے۔ اس شخص کی زبان اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مجھے دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے کہ جو بیسک اسلام کے فنڈامنٹل آئیڈیالوجی اور بنیاد ہے، جس شخص کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، جس کو مانتے ہیں، جس کے امتی ہونے پہ ہمیں فخر ہے، پہلی جو اسلام کی اینٹ ہے، بنیاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ اور ان کا آخری نبی ہونا، ہمارا اگر آخری نبی ہونے پہ بلیو نہیں ہے تو آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، مسجدیں کھولیں، اذانیں دیں، وہ آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی کی توہین اور نفی ہے۔ اس شخص کے اقرار پر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہہ رہا ہے اگر کہ میرا ختم نبوت پر اتنا ہی ایمان جتنا کسی بھی مسلمان کا ہوتا ہے، اس پہ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے اور آپ کے یقین کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس شخص نے ریفلیکٹ کیا اپنے کنڈکٹ سے، اس نے کمیونیکیٹ کیا، انٹرپریٹ کیا ایک ایسی اسلامک فلسفی کو جو پاکستان کے آئین کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ آپ نے کہ پاکستان کے آئین نے ان کو کلیئر قرار دیا ہوا، دے ہیو ناٹ بین ٹائٹلڈ ایز مسلم، اسے امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کو نہیں کیا، دیکھیے اسے امپلیمنٹ جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے تھے علی، جس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، دیکھنا یہ ہے کوئی انٹرنیشنل آڈینس کو کمیونیکیٹ کر رہے تھے، وہ انٹرنیشنل آڈینس جن کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، وہ وہاں پہ کچھ ہیڈن ایجنڈے پہ کچھ اپنی سپورٹ لینے کے لیے، کوئی بین الاقوامی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک سبسٹنس بیچ رہے تھے، بین الاقوامی آقا جن کے کہنے سے وہ کانٹینٹ چینج۔ ملک صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ انہوں نے خود اپنی حکومت سے، انہوں نے یہ بات کہا کہ یہ جو امینڈمنٹ کی حکومت نے
इंटेंशनल मिस्टेक थी जिसको विथड्रॉ किया गया। आप मुसलमान राना सनाउल्ला मेरे से हो सकता है बेहतर मुसलमान हूँ, किसी और से बेहतर मुसलमान हूँ, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने कम्युनिकेट किए हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट किया उस माइंडसेट को, और जिससे पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की तोहीन हुई, दिल आजारी हुई और उनके दिलों पे ज़रब लगाई और उसको कंडेम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सलूशन निकाला जो उनको नजर आया ड्यूरिंग द केओस के जनाब हम लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा ले ले, उनको वही सलूशन नजर आया। द सेम सिनेरियो हैज बीन क्रिएटेड इन पंजाब राइट नाउ। डू यू फाइंड कि सिर्फ सही सलूशन होगा कि हम भी अपने लॉ मिनिस्टर का जो है वो इस्तीफा ले और बात खत्म करें, हर कोई अपने अपने घर जाए, शायद इस्तीफे भी वापस आ जाए? शुक्रिया अली, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। देखें, जो अभी डॉक्टर साहिबा जिस तरह कह रही थी, मेरी एक दरख्वास्त है कि ये मामला क्योंकि ख़त्म नबूवत का है और इसके साथ बहुत हसासियत अटैच्ड है, कौमी असम्बली में जो बिल आया 7B और सी के हवाले से उस पर करेक्टिव मैयज़ हो चुके हैं जी, और जो लॉ मिनिस्टर की रेजिग्नेशन है वो चाहे उनकी दनिस्ता गलती थी, गैर दनिस्ता थी, जैसे भी था, उनकी एक स्टेटमेंट आई कि मेरा इसमें गुनाह कोई नहीं, उन्होंने अपने खत्म नबूवत पर यकीन को रीइटरेट किया, बार बार एक बात की वजाहत की, और तहरीके लबैक या रसूलल्लाह वालों ने इसी बुनियाद पर फतवा भी नहीं दिया, ठीक, उनकी वजाहत को कुछ कबूल किया लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनसे एक ड्यू डिलीजेंस नहीं कर सके, इस वजह से रिजाइन करें। इसी तरह राणा सनाउल्ला साहब की जो स्टेटमेंट आपने पहले चलाई जी, इसकी वजाहत वो बार बार कर चुके हैं। मुझे मेरी आवाज़ की बहुत ज़्यादा वो आ रही है वापस, मैं आई डोंट नो वेदर यू आर, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? वी कैन हियर यू क्लियरली, प्लीज कंटिन्यू सर काइंडली। मैं आई एम नॉट, चले लेट्स फिक्स दिस फर्स्ट, आई नो यू मस्ट बी गेटिंग इरिटेटेड, अपनी वजाहत कर चुके हैं जी सर, लेट्स फिक्स दिस फर्स्ट, मैं आपके पास दोबारा आता हूं सर, ताकि आपको इंप्रेशन ना, आई विल वेट। राइट सर, गंडापुर साहब, सर दो वर्जन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक वर्जन ये है जो अभी डॉक्टर साहब ने देनी थी कि एक शख्स ने जो है वो दानिस्ता गलती की, बैरूनी आकाओं के इमा पर उन्होंने गलती की, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि एक शख्स जो है वो शायद पछता रहा है या सफाई दे रहा है अपनी उस स्टेटमेंट की। डू यू थिंक इस बात का इकरार काफी है कि शख्स कर ले अगर कि जनाब मेरा तो मुकम्मल ईमान है इस पूरे सिलसिले पे, और मुझसे अगर कोई गलत लफ्ज निकले हैं मेरे मुंह से तो लेट इट बी, क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है? सर आपकी जमात का क्या एजेंडा होगा, क्या मौकफ क्या होगा इस पे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुझे मौका देने का। पहले तो मैं ये एक अर्ज करना चाहूंगा कि अभी जो पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तनख्वाह हुकूमत पंजाब से ले रहे हैं, इन्होंने तस्वीर पीछे नवाज शरीफ साहब की जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया है, उनका अपना घर है, उनका हक है किसकी तस्वीर लगाएं, लेकिन आपने देखा है कि हमने कभी कायदे आजम के अलावा किसी की तस्वीर अपने पीछे नहीं लगाई। पार्लियामेंट ने उनको, ये फर्क है हमारे और इनके कल्चर में, क्योंकि ये मुलाजिम है नवाज शरीफ के। एनीवेज, पार्लियामेंट ने हमको हक दिया है कि वो उनके सदर हैं, एक्चुअल इशू तो होते रहे ना, हमारी पार्टी के भी तो सदर हैं। अच्छा चलें, प्लीज सर, कमिंग टू द एक्चुअल इशू पॉइंट, एग्जैक्टली असल इशू यह है कि इन्होंने बार बार पार्लियामेंट में झूठ बोला। आई डू नॉट नो कि इसको हम, ये कत्ल से बड़ा जुर्म है जनाब पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके झूठ बोलना। अच्छा, जब झूठ पकड़ा गया तो इन्होंने पकड़े जाने के बाद क्या किया कि जी क्लेरिकल मिस्टेक हो गई, फिर कहा कि ये किसी लोअर स्टाफर की गलती है, इवेंचुअली दे ओन्ड अप के जी लॉ मिनिस्टर ने गलती की है। अब इशू ये है कि अगर तो लॉ मिनिस्टर सच बोले तो वो बताएगा कि जी ये मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर हुआ, वो कह नहीं सकते थे इसलिए उनको कुर्बानी का बकरा बना के हटा दिया गया। पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ है, पंजाब में राणा सनाउल्ला वो तोता है जिसमें सामरी की जान है, और राणा सनाउल्ला ने कहा है कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा ये तो मैं सारे पोल खोलूंगा इंक्लूडिंग मॉडल टाउन, लिहाजा मैं अकेले इस्तीफा नहीं दूंगा, इस्तीफा देगी तो पंजाब हुकूमत पूरी देगी। हालांकि मॉडल टाउन वाकये के बाद तो इस्तीफा दे दिया था उन्होंने जी,
नहीं, मॉडल टाउन के बाद इस्तीफा कब दिया था? लिया गया था, और वो सिर्फ लिया गया था, उनको बताया गया था कि जनाब हम आपको चंद दिन के लिए हटा रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर हट जाए हम आपको वापस ले आएंगे। अच्छा, अब कमाल की बात, आपके अली हैदर आपके प्रोग्राम पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी। एक सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं जो हुकूमत की एफआईआर में इश्तिहारी मुलजिम है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो होम सेक्रेटरी पंजाब के रिश्तेदार हैं, उनको मोटरवे पुलिस में लगा दिया गया। अच्छा, अब एक इश्तिहारी पुलिस के यूनिफॉर्म में आप और मुझको पकड़ रहा है, आप इस सितम और जुल्म को नहीं देखते? सर मुझे इस पे ब्रेक लेनी है, शायद ये बात में आ जाता है, मलिक साहब को बुरी लगे, लेकिन एक इश्तिहारी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो चला रहा है ना सर बाहर बैठ के, तो ये हमारे मुल्क में जब ऊपर हो रहा है तो फिर नीचे हम किसको शिकायत? मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं दोबारा अपने अहम सवाल पर आऊंगा। इमरान खान साहब किस तरह की सियासत करना चाह रहे हैं? क्या कादरी साहब उस तरह की सियासत पर खान साहब का साथ देंगे? क्योंकि कादरी साहब का जो घर है, जो उनके इदारे का दफ्तर है, ऐसा लगता है आजकल वो सियासी किबला बना हुआ है बहुत सी सियासी जमातों का, उस पर हम डिस्कशन करेंगे वक्फे के बाद। हाजिर है, वो सवाल मैं जो छोड़कर गया था उस पर दोबारा आऊंगा। दो हम चीजें डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो मरकज है वो किस तरह से अब सियासतदानों के लिए अट्रैक्शन का बायस बन गया है, व्हाट आर दे लुकिंग इनटू इट, उसमें से चाह क्या रहे हैं कि क्या वो अपने फायदे के लिए हासिल कर सके। मलिक अहमद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सर आपकी बात चूंकि मुकम्मल नहीं हुई थी, दोबारा मैं आपके पास आता हूं, फिर डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा। मलिक साहब, ये अब जिस सिचुएशन का आपको सामना है, हम डेफिनेटली कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मैं हुदैबिया डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन इटसेल्फ ये भी आपके लिए एक मसला खड़ा हो गया। मॉडल टाउन की जो रिपोर्ट आई है वो इटसेल्फ आपके लिए मसला, एंड नाउ दिस सियालवी साहब का धरना और आपके एमएनएस एमपीएस का आपसे चले जाना। राणा सनाउल्लाह साहब गलती पर हैं या नहीं ये मैं फैसला नहीं करूंगा, बट डोंट यू थिंक एक इस्तीफा जो है वो इस पूरे मसले को सुलझा सकता है? अली देखिए, मैं खुर्रम साहब की बात सुन रहा था, वो नॉर्मली बड़ी अच्छी बात करते हैं, सुलझी हुई बात करते हैं, दलील के साथ करते हैं। मैं एक वजाहत कर दूं, शायद उनको कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए इस मामले में, क्योंकि ख़त्म नबूवत के मामले पर कुछ भी हालात हों, किसी की भी गलती हो, कम अज़ कम मैं अपने ज़मीर के मुताबिक इस मसले पर गलत बयानी नहीं कर सकता। अच्छा, ख़त्म नबूवत पर, इस अकीदे पर, हुरमत रसूल पर मेरी जान माल हर चीज़ कुर्बान, तमाम सियासत कुर्बान। एक वजाहत मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब ये अमेंडमेंट लॉ के अंदर आई, जब ये 203 को अमेंड किया गया, तो उस वक्त लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी थी उसकी बहुत सारी प्रपोजल्स सेनेट में और नेशनल असेंबली में बयक वक्त मौजूद थी, और जब ये 203 को अमेंड किया गया तो उस वक्त ये अमेंडमेंट जो थी ये 7B और सी के हवाले से, इस पर बाद में लॉ मिनिस्टर ने अपनी वजाहत भी दी, और इसी बात पर कि ड्यू डिलीजेंस नहीं हो सकी, और जब हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने उसको पॉइंट आउट किया, और उस पर जमात इस्लामी के तारिकुल्ला साहब ने उसको पॉइंट आउट किया नेशनल असम्बली में, तो इस बात के सामने आने पर उन्होंने अपनी पोजीशन क्लेरिफाई की, बिल्कुल किया सर। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब के मामले में क्या फर्क नजर आ रहा है सर आपको? मैं चाहूंगा, टाइम शॉर्ट है, इस पे हम जरूर आए। मैं सिर्फ हामिद मीर साहब ने जहां कोर्ट किया, राणा सनाउल्लाह साहब एक वक्त तक इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया उनको। अली मुझे इजाजत दें जी सर, मुझे इजाजत दें। देखें, जहां तक राणा सनाउल्लाह साहब का ताल्लुक है, आपने उनकी इंटरव्यू की क्लिप चलाई, जहां पर आपने उस क्लिप को रोका, मुझे नहीं पता उससे आगे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये क्लिप मैं सुन नहीं सका। मुझे नहीं पता कि उससे आगे कॉन्टेक्स्ट में वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे, लेकिन जो हमीदुद्दीन सियालवी पीर साहब का मैंने देखिए, जो पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब ने, नहीं, आई एम नॉट स्कोरिंग एनी पॉइंट, मैं एक वजाहत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और ये इतना हसास मामला है जिसमें बहुत एहतियात का दामन, मेरी डॉक्टर से भी दरख्वास्त है जी जी। और बाकी चीजें ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन इस मामले की हसासियत ये तकाजा करती है। अली साहब, मुझे आपकी दिक्कत का भी अंदाजा है कि आपके पास वक्त थोड़ा है, और ये जिस तरह की ये पोजीशन है उस पर वो अपनी वजाहत कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो इस अकीदे पर यकीन रखते हैं खत्म नबूवत पे, उनको उनकी इस बात को सुनना चाहिए। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे वो कोलीग हैं, कि उनका बड़ा रासख अकीदा है इस चीज़ पर कि वो खत्म नबूवत के दाई हैं। लेकिन चलें आगे चलते हैं अब इस्तीफे की बात पर।
देखिए कोई भी मामला हो, किसी तरह का भी मामला हो, क्या जत्था राज होगा? क्या ये धरने लगेंगे और धरनों के नतीजे में स्टेट को कलैप्स करेंगे? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स देख नहीं रहे हो क्या रहे? क्या आपको इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब कभी किसी ने कोई मुतालबा करना होगा, गलत या सही, मुझे मुतालबे की सेहत पर कोई ऐसा शक नहीं है कि किसी का मुतालबा गलत है या सही। हाँ, लेकिन कोई भी मुतालबा हो, उसका हल क्या धरना होगा? ऑब्वियसली खुर्रम नवाज साहब जी, मेरी बात सुने ना, देखिए गुजारिश सुने, मुझे सिर्फ दो लाइनें कहने जी सर। ऑब्वियसली खुर्रम साहब के पास ये केस है कि देखिए सर मुझे इजाजत दे दे फिर आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा। सर क्विकली प्लीज, खुर्रम साहब के पास ये केस हो, मैं इनको ऑफर करता हूं कि ये आज देखिए नहीं, आप कुछ रिजॉल्व होने देना, जस्ट होल्ड ऑन। अब डॉक्टर साहब ने जितनी बात की बड़ी तसल्ली से सुनी, मैं तो आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूं। खुर्रम साहब के पास ये केस है कि मॉडल टाउन के अंदर जो हादसा पेश आया, उसके नतीजे में बहुत कीमती 14 लाशें ज़ाया हुई। मुझे दिल से दुख है इस बात को, और जब भी मैं कभी इस मामले पे बात करने लगता हूँ, मुझे उसको उसके ऊपर बात करते हुए बहुत ज़्यादा मुझे वो फीलिंग होती है कि किस कॉज को हम डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, देखिए इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि वो जिनके पीछे वर्षा हैं, जिनकी 14 डेड बॉडीज हैं, इस मामले का हल निकलना चाहिए कि जो तो भी जिम्मेदार है उनका तैयार होना चाहिए। यही तो कह रहे हैं और यही कादरी साहब कह रहे हैं। मैं अगली बात पे आना चाहूंगा सर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। कादरी साहब ने एक और धरने का ऐलान भी किया। मलिक साहब की देखिए, मैं तो बड़ी शॉर्ट बात करता हूँ, इफ वी कैन टॉक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट एंड क्रिस्प। आप बताएं मलिक साहब कि दुनिया का कहीं ये कानून है कि जिसका बाप बेटा बहन भाई मरा उसको तो आपकी जीआईटी ने बुलाना मुनासिब ही नहीं समझा, जिसको गोलियां लगी उसको आपकी जीआईटी ने मुनासिब नहीं समझा बुलाना, जिसको आपकी एफआईआर ने इश्तियारी करार दिया उसको आपने मोटरवे पुलिस में वो लगा लिया। मुझे समझ है कि आप पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल एंड यू आर अ जेंटलमैन योरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली राणा सनाउल्ला साहब के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। देखें, राणा सनाउल्ला साहब अगर क्रिश्चियन होते कोई फर्क ना पड़ता, अगर वो हिंदू होते कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन एज अ मुस्लिम मैं इसको भी नहीं चैलेंज कर रहा कि उन्होंने जो कहा, और अगर आज वो कहते हैं कि मैं कलमा गो मुसलमान हूं, हम कोई नहीं है जज करने वाले कि वो कलमा गो मुसलमान है या नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल हुकूमत का एहलकार जब कोई बात करता है तो उस बात में वजन होना चाहिए। यह कह देना कि जिस चीज को आईन ने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया है उसको मुसलमान डिक्लेयर करना, यह राणा साहब की गलती है। मैं तो राणा साहब के जाती ईमान को चैलेंज ही नहीं कर रहा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय क्वेश्चन वाज गंडापुर साहब। मुझे ब्रेक के बाद इस पर डेलिब्रेशन चाहिए होगी, लेकिन टॉपिक चेंज करेंगे ब्रेक के बाद। अल्लामा ताहुल कादरी साहब ने ऐलान भी किया है, धमकी भी दी है, इंतबाह भी दिया है कि इस्तीफा दो वरना एक और धरना। ये धरना क्या गुल खिलाएगा, किस तरफ मुल्क को लेके जाएगा, और डॉक्टर साहब और उनकी पार्टी क्या इसकी हिमायत करेंगी? क्योंकि एक बयान तो आ चुका है कुछ ना कुछ हल्की फुल्की हिमायत का, और इखलाकी हिमायत तो हमारी भी इस चीज़ के साथ है कि इन 14 जो जारे बेगुनाह मारे गए थे इनके वर्षा को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन इसका तरीक़ाकार क्या होगा वक्फे के बाद। डॉक्टर साहब कहते हैं इस्तीफा दो वरना एहतजाज, जरा सुन लें ताकि जरा उनकी वर्ड जो है वो हमें याद हो जाए, उस पर हमने बात करनी है, क्योंकि अब नई बिल्कुल एक नया पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। जरदारी साहब तक मिले जाके उनसे, एक बहुत अहम और बड़ा वफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी मिला, तो ये सियासी किबला जो है वो किस तरफ लेके जाएगा? क्या ये सब कंटेनर के सवार होंगे बाद में? सुनिए जरा कादरी साहब क्या कहते हैं। हमारा मुतालबा है नवाज शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्ला और बाकी उनके ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान फौरी तौर पे स्टेप डाउन करें, मुस्ताफी हों, अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करें और पनामा की तर्ज की एक आजाद खुद मुख्तार जीआईटी बनाई जाए। तीनों ने इस मुतालबे के नतीजे में स्टेप डाउन न किया, अवाम के दबाव के जरिए इनके गिरेबान को पकड़ना, इनको इक्तदार से किक आउट कर देना, इनको जूते मार के इक्तदार से बाहर निकाल फेंकना, आईन के दायरे में, कानून के दायरे में, अमन के दायरे में, ये हमारा हक है। संजीदा मगर मुश्किल मुतालबा जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये मुतालबे खैर आपने भी किए हुए हैं इस्तीफों के, तो अब किस क्या लगता है आपको? खान साहब का भी तकरीबन कुछ ऐसा ही, उनका भी यही मिजाज है धरनों का, कंटेनर का, इस्तीफे का, तो साथ चलेंगे इनके आप? अली मलिक साहब मेरे भाई हैं,
लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि वो मोटू गैंग जो है, जो टार्जन बन के सारा टाइम जो है वो आस्तीने चढ़ा के, वो जितने बेनिफिशरी हैं इस स्टेटस को के, और सिर्फ अदारों को गालियाँ देने के बेस पे उन्होंने वजारतें ली, वो जब क्राइसिस आता है इनकी जमात पे तो किधर नाम लेके किधर छुपते हैं आप? दानियाल अजीज, अच्छा तलाल चौधरी, आपके जितने अलफ से ये तक ऐसे ऐसे सियासी यतीम जिनके आसफ करमानी जैसे, जिनके घर वाले भी नहीं उनके कहने पे वोट देते, वो आके इनकी जमात का मुकदमा लड़ते थे। वो ये तो वो पंजाब हुकूमत है, पंजाब के तर्जमान, ये पंजाब के हुकूमत के तर्जमान एक डबल जेपर्डी में है। एक इनकी अदालत है जो जमीर की, जिसके सामने ये जमीर के कैदी बन जाते हैं, ये इनको सच बोलना है। दूसरी तरफ इनकी जमात है और इन्होंने अपनी जमात का हक अदा करना है, और वो उनकी मजबूरियों को मैं समझती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपने आपने उसमें कहा कि हल क्या है, कैसे हल होगा ये मसला? राना सनाउल्ला, खत्म नबूवत, सानिया मॉडल टाउन, ये ओवरऑल जो पॉलिटिकल क्राइसिस और जिस किस्म का अनरेस्ट इस मुल्क में हुआ है, और फिर इकोनॉमिक इश्यूज, और सारा आपको आज वो इश्तिहारी करार हो गए हैं आपके वजीर खजाना साहब, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक सिलसिले की कड़ियाँ हैं कि ये हुकूमत जो है वो गवर्नेंस का हक खो चुकी है, वो हुकूमत करने का हक खो चुकी है। अब उस हुकूमत का आपने सोल्यूशन मांगा था, देखिए इन्होंने कहा कि बार बार ये डिक्टेशन मुझे भी दे रहे हैं, गंडापुर साहब को भी, कि ये बड़ा हसास मसला है सेंसिटिविटी इसकी। देखें हमें जो है वो, हमें तो सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है, क्या जिसको आपने लॉ मिनिस्टर बनाया था ये स्टेटमेंट देते हुए उसको सेंसिटिविटी का अंदाजा क्यों? और इसमें नहीं अली, उसमें उस सेगमेंट में आपने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी पार्टी का मौकफ उसमें नहीं आया। पहले आप ही से मैं आवाज ही आपसे किया था मैंने, वो आर्गुमेंट में देखे ये लीडरशिप वीएन थी, ठीक है, मैं चुकवाल थी परसों दरमियाल एक गांव में जा मेरा भी सारा टाइम लेके गए थे उस गांव के अंदर, मलिक साहब उन्होंने उस गांव के अंदर दरमियाल चुकवाल के अंदर जो स्टेटमेंट दी थी वो उनकी वीएन थी कादियानियों के हवाले से और इस सोच के हवाले से जिसको ट्रांसफॉर्म कर दिया राणा सनाउल्ला ने। अब वो इस्तीफा मियां साहब क्यों नहीं देना चाहते, उसका लेना चाहते, इसलिए कि वो नवाज शरीफ की सोच है जिसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू एक्शन राणा सनाउल्ला। अब सानिया मॉडल टाउन में हम कादरी साहब का साथ नहीं दे रहे, हम एक ऐसे इंसानी अलमिये और इंसानी इशू में उनके साथ खड़े हैं, और जो उनका जाती इशू नहीं है, जो उन्होंने अपनी जात की जंग नहीं लड़ रहे, इस मुल्क के अंदर इंसाफ मांग रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी की जंग लड़ना चाहते हैं, और मलिक साहब ये बता दें कि ये कह रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, मुझे बताएं इंसाफ के तकाजे किसने पूरे करने हैं? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनके पास, हुकूमत इनके पास, और इन्होंने अगर वो इंसाफ के, शाहरुख खान के वालिद को भी इंसाफ मिले, सबको मिले, सबको मिले, लेकिन देना किसने है? उनको भी इंसाफ मिले, हुकूमत वक्त ये है, सबको मिलना चाहिए, इनका गिरेबान पकड़ना आवाम का फर्ज है कि आप इंसाफ दें। अगर इंसाफ ये आईन और कानून की किताब के मुताबिक नहीं देंगे तो फिर आप वो कुछ चीजें भूल जाते हैं। आप मुंसिफ जो है कौन वो मुल्ज़म हो जाए तनकीद करने वाले हर तरफ से उन पर तनकीद करते हैं, सुने जरा खान साहब ने कहा क्या था? डिप्टी कमिश्नर, क्या शहबाज शरीफ तुम्हारा बाप लगता है? क्या तुम जब इस दुनिया से जाओगे तो शहबाज शरीफ को जवाब दोगे या अल्लाह को जवाब दोगे? Not the right word I would say, जो अभी खान साहब ने के मुंह से निकला। मुझे मुख्तसर वक्फा लेना, वक्फे के बाद सब इस पे डिलीबरेट भी कीजिएगा, बात भी कीजिएगा, लेकिन सवाल मेरा अपनी तरफ रहेगा, सब मेहमानों की तरफ। एहतजाज की सियासत हम अगले इंतखाबात तक देखेंगे क्या? वक्फे के बाद साथ रफीक साहब की आपको बात सुनाता हूं। उस कॉन्टेक्स्ट में साको सबाग उसका ये है कि जरदारी साहब ने कहा था कि चाहता हूं कि वक्त से पहले ये लोग फारिग हो जाएं, घर चले जाएं, तो इसके जवाब में साथ रफीक साहब ने क्या कहा जरा वो सुन लें। एक दूसरे को गिराने के लिए, जगह लेने के लिए कहां तक जाना है? आप खत्म कर लें हमारी हुकूमत, चार पांच महीने रह गए हैं, हो सकता है आप खत्म करने में कामयाब हो जाए, हो सकता है इसके बाद आपकी हुकूमत आ जाए,
आपको कोई हुकूमत करने देगा? इतने अच्छे हैं हम कि आपको हुकूमत करने दे। लेकिन अगर आपको पता हो खुली आंखों से कि चाबी दी जा रही है, दबाव डाले जा रहे हैं, खेल खेला जा रहा है, तो फिर भाईजान मुजामत तो हम करेंगे। गंडापुर साहब, हुकूमत का खात्मा आप भी चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट हो या चाहे फेडरल में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, ऑन सर्टेन बेसिस, मैं ये नहीं कह रहा, यू मस्ट बी हैविंग रीजंस, आपके पास वजूहात उसकी हैं, लेकिन उसके बाद सादर रफीक साहब कहते हैं किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। बात यह है, मुझे अब दो मिनट दीजिएगा। सादर रफीक साहब वो झूठे इंसान हैं जो एक तरफ तो आके हमारे पांव पकड़ते हैं कि मॉडल टाउन पे कोई फैसला कर लें, दूसरी तरफ बदमाशी की बातें करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं, अगर वो इतने गैरतमंद मर्द हैं तो जिस तरफ इशारे कर रहे हैं तो मर्द बने, उस इशारा जिस तरफ कर रहे हैं उसका नाम ले लें। हम तो डरते नहीं हैं, नाम अगर लेना होगा तो नाम लेंगे। हमने तो हमेशा कहा कि FIR जो रजिस्टर हुई हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ की इंटरवेंशन पर हुई, ये वो लोग हैं जो भाग गए उस बात से। मैं अब लंबी बात नहीं करता, मैं शॉर्ट और सिंपल बात करता हूं, दो सेंटेंसेस पढ़ता हूं बाकर नजफी की रिपोर्ट से। डॉक्टर तौकीर शाह ऑल्सो कंसेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर। पुलिस हैड टू अबाइड बाय द कमांड अनाउंस सीक्रेटली और ओपनली टू अचीव द टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ इवन किलिंग द अनआर्म्ड बट प्रेशियस सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। Firing and severely beating the people on the crime scene is irrefutably suggestive that the police did exactly for which they were sent and gathered over there. Who sent the police? Did Pakistan Awami Tehreek send the police? बात ये है कि अगर ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है, नहीं तो क्लियर इंडाइटमेंट जो FIR दर्ज हुई, मैं एक अर्ज कर लूँ ना, उसमें दुनिया में कोई हुकूमत अगर वहां ये किलिंग हुई होती, any democratic country in the world, the government of that province would have resigned. Sir, General Rahil Sharif ne aapse raabta kiya tha, aapne unse raabta kiya tha, aisa kya hua tha ki itne bade bade naam jis FIR mein darj kiye gaye aur phir naam likhe gaye, who, kya General Rahil Sharif sahab ke kehne pe aisa hua tha, kya hua tha? General Rahil Sharif ke kehne par kyun aisa hua? Mujhe Shahbaz Sharif sahab ne khud bula ke hame threat kiya tha, हमें थ्रेटन किया था कि अगर आप लोग डॉक्टर तायरुल कादरी को नहीं रोकेंगे आने से तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जो उन्होंने 17 जून को किया। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एज डेलाइट। ठीक है, क्योंकि आपने जो पहले जुमला बोला था वो बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट में बात जा रही थी, बिल्कुल किसी और तरफ बात जा रही थी। दिस एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन आई वांटेड टू हैव। मुझे इजाजत देंगे मलिक साहब? सर देखिए, मुझे इजाजत देंगे, मैं सिर्फ एक जुमले के, देखें अभी खुर्रम नवाज साहब जो बात कर रहे, मुझे इजाजत देंगे सर। मलिक साहब देखें, आपकी जो तनकीद है और जितनी भी वो तल्ख है उस पर मैं इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, उस प्राइवेट कंप्लेंट को एक कोर्ट ने एंटरटेन किया है, वही कॉम्पिटेंट कोर्ट है, वहीं से जजा सजा होनी है। बाकी कोई इदारा, कोई तरीकाकार, कोई आर्मी चीफ, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर जजा सजा नहीं दे सकती। अगर आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है सर, तो उस प्राइवेट कंप्लेंट में आपका मुवक्कफ, आपके गवाह, मैं कैसे गलत कहता हूं, आप साबित करें इस बात पर, आप बैठ जाए मेरे साथ जजमेंट, आपको मैं ओपन मुनाज़रे का चैलेंज देता हूं। आप फ्रेश इन्वेस्टिगेशंस वर ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस। यहां एक सेकंड, मुझे बताएं, एक सेकंड, खुद वकील है, एक सेकंड, खुरम साहब एक सेकंड, वकील है, एक सेकंड सर, टूल के बारे में स्टेटमेंट, खुरम साहब मुझे इजाजत दे दें, थोड़ी सी जवाब ले लें, गंडापुर साहब इसी बात का जवाब ले लें, मालिक साहब आप कह रहे हैं, आप मुझे बात कर लेने की इजाजत दे दें, बगैर केस आगे चल, खुरम साहब मैं और आप दोनों मेरी बात सुने ना, देखे ठहरे खुरम साहब, और मैं बयक वक्त बोलेंगे तो बात तैयारी को आपकी समझ आएगी, तैयारी को आप पुलिस के अंदर मोटरवे पुलिस में लगा देते हैं, गुजारी हमारी गाड़ियां रोकेगा, वही हमें फाइन करेगा। अब आप कौन सी दुनिया है, कौन सा इंसाफ है? अब आप मुझे इजाजत दे देंगे सर, अगर खुरम साहब चले आप सर अपने दिल की भड़ास निकाले, आप बोले
क्योंकि मैं और आप यक आप बोलते जवाब बात नहीं देते। मेरा अगर मुझे दो मिनट दे देंगे तो मैं आप जवाब नहीं देते। मैं आपको जवाब देखिए गुजारे सुने ठहरे आप जवाब नहीं देते। मेरा एक खुरम साहब ठहरे देखिए क्या एक सर देखे ठहरे खुरम साहब देखे बात सुने ना मेरी बात सुने ठहरे अब सुन ले अब सुन ले हम सब ने मैंने आपने गंडापुर साहब ने बात कर ली। मलिक साहब आप जवाब दें सर प्लीज जवाब दें प्लीज सर This is highly unfair. मैंने एक घंटा भर बैठ के हर तरह की बात सुनी है डॉक्टर साहिबा की भी खुरम साहब की भी अब थोड़ा सा हौसला पैदा कर ले मेरी बात सुनने का भी प्लीज और मैं कोई ऑफेंसिव बात नहीं और मैं आपसे वादा करता हूँ डॉक्टर साहब एक सेकंड होल्ड ऑन करें ना बात सुने ठहरे आपको पता है मेरी आवाज बहुत ऊंची है आप तो जानती हैं लेकिन मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि खुरम साहब बैठे हैं और उनके साथ देख एक सेकंड ठहरे कमाल कर रही हैं आप मुझे इजाजत दें आप फिर कैसा कैसे करती हैं आप देखिए आप तो मेरी बड़ी बहन है आपसे तो हम वैसे डरते हैं आपको तो आपका हमें एहतराम भी बहुत है इजाजत देना अब आप इजाजत दें बात करने दें देखिए खुरम साहब अगर तो कोई नई एविडेंस इजाजत में तीन मिनट गुजर गए अगर तो कोई नई एविडेंस प्लीज आप बात मुकम्मल करें सर कम टू द पॉइंट ठहरे ना बात सुने ना हम कन्वर्सेशन फिनिश छोड़ देते हैं अब कम टू द पॉइंट मलिक साहब प्लीज मुझे कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है पता नहीं कैसे कैसे मेरे तक आवाज आ रही है लेकिन आप कोई और बोले फिर देखे ठहरे बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं अगर कोई नया एविडेंस आ गया आपके पास तो उसने डॉक्टर साहब क्या बात कर रही है फिर आप बोलती रहे मैं चुप करके सुनता हूं जी आप मुझे बात करने की इजाजत नहीं दे रही बीच में खाम खा के को बात कर देती हैं वही इंटरप्शन हो जाती है आप बोले अपना जो आपका दिल करता है बोले जी मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ आप बोले डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे प्लीज मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास देखे अगर आपके पास खुरम साहब आपके पास अगर कोई नई एविडेंस आ गई है तो उस एविडेंस को सरफेस करने के लिए भी आपको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन में जाना पड़ेगा और जब तक आपकी प्राइवेट कंप्लेंट मौजूद है प्राइवेट कंप्लेंट चाहे सुबह विड्रॉ करें और फिर कोर्ट के अंदर ले जाएं उसको हाई कोर्ट के इसी फैसले के अंदर लिखा गया है कि ये जो जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट है आप उस जजमेंट को पढ़ें उसके पेजेस पर जाएं मैं आपको पेजेस और पैराग्राफ्स बताता हूं सर कि ये जो रिपोर्ट है जस्टिस बाकिर नजफी की बताएं इसको लीगल इट कुड बी रिपोर्ट मेरे सामने है बात तो करने देना यार क्या आप कैसे कर रही हैं आप तो देखिए उसमें आप उसके कंक्लूडिंग चीज निकालें नीदर इट कुड बी ट्रीटेड एज एविडेंस नॉर इट कुड बी टेकन इन टू द ट्रायल कोर्ट और ना ही इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप जिसको आगे ले जाकर किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी हाई कोर्ट का हमारा सिर्फ ये आपसे कहना है जी. कि अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की कोई जजमेंट्स हैं जो ये फैसला करती है कि उनकी बुनियाद पर आप नई FIR करा सकते हैं तो सर यू आर मोर देन वेलकम आप कोर्ट में जाएं आप जाकर वहां पर अपनी एविडेंस जो इंस्पायरिंग हो वो दें अगर आप ऐसी शहादत देंगे जिसमें कहेंगे कि मुझे बुलवाया गया और साथ आप उसको फयाज को रख लेंगे वो हमारा भाई है उसको साथ लेकर जाएंगे और वो कहेगा कि कॉन्स्पिरेसी हैच हुई आपसे अगर कोर्ट पूछेगी किस गाड़ी पर लेकर गए कौन लोग थे जिन्होंने आपको बुलाया किस नंबर से आपको टेलीफोन कॉल आई अगर कोई एक चीज आप अपनी कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर कोर्ट तो समझ नहीं करेगी उन मुल्जमान को सरसरी शहादत में तो एक आयोटा ऑफ एविडेंस है तो उस पर कोर्ट तलब कर लेती है मलिक साहब आप हौसला करें और इसी हौसले से अब आपने सुनना भी है आप इंसाफ दिलाने की बात करें अभी आपने इस हौसले से सुनना भी है डॉक्टर साहब आप मुझे आज भी आपका दोस्त डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें कि दुनिया के अंदर एक इश्तिहारी को आपने असल बात बनाया हुआ है असल बात तो अगर सियासत की है तो सर वो अलग बात है सब साथ बोल रहे हैं अगर मुकदमे की बात है तो वो अलग बात है अगर आपने उनको इंसाफ दिलाना है एक इश्तिहारी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया हुआ है आप मुझे बताएं कि एक किसी दुनिया के मुल्क में एक इश्तिहारी accused of murder by the government of Pakistan, by the government of Punjab, you appoint him as a superintendent of police, दुनिया के किस मुल्क में ये होता है? सर वक्त खत्म हो गया आपके इसी सवाल पे मेरे पास पर मलिक साहब और डॉक्टर साहब अपना बयान दे सकती बात कर सकती लेकिन एक एग्जाम्पल फेडरेशन में मौजूद है वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो भी आज माशाल्लाह से एब्सकॉन्डर इश्तिहारी करार दिए गए पता नहीं कब तक रहते हैं खाते में है और ये माशाल्लाह अनदर